लड़कियों घर की औरतें काम नहीं करेंगी क्योंकि आई हैव गॉट बेटर वर्क फॉर ऑल द लेडीज ऑफ द हाउस. मैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सोचा है क्योंकि मैं थक कर आया हूँ तो मुझे मसाज चाहिए, तो उनका जो एनर्जी है मैं उस मसाज के लिए बचाना चाहता हूँ. तो बाकी जो काम है मैं मर्दों से करवा रहा हूँ क्योंकि मैं मर्द से मसाज मुझे पसंद नहीं है. पर सर जो आपने अंदर रीज़न दिया वो सच में वैलिड है जो अभी आप बोल रहे हैं कि वो वैलिड है? मैंने आपको दिया है वन ऑन वन वो रीज़न डाले जो अंदर है वो तो टेलीकास्ट के लिए. और आपका रीज़न उनको लुक दे के जाने का? हाँ आपने लुक दिया ना मैम को? ये मैम को? ये मैम को तो हमेशा लुक देता हूँ. वहाँ पर भी कुछ चालू है मैं बता रहा हूँ. तनु और प्रज्ञा की तनु और प्रज्ञा की जो तनु और अभी के बीच में चलना चाहिए वो तनु और प्रज्ञा के बीच में शुरू हो गया. आई डोंट नो हाउ टू नॉट कंट्रोल माय स्मोक. मेहंदी की तैयारियाँ कैसे चल रही? बहुत अच्छी चल रही है. मैंने वो रंग जो है उसे वो गीला कर दिया है और कल जो है प्लास्टिक में भर के सबको लगाना शुरू कर दिया है. और क्या क्या प्लानिंग की है? दो तीन गाने हैं जिसके ऊपर मैंने डांस करना सीखा है और एक पीकॉक का एक पीकॉक कलर का एक ड्रेस है उसका एक सलवार कमीज बना रहा हूँ. मेहंदी फंक्शन है लेडीज प्रिपरेशन करेंगी मुझे क्या करना है? आप तो सिर्फ गेम खेलोगे ना? एग्जैक्टली है ना. अभी अक्सर देखा गया डेली सोप पर फिल्मों में लड़कों को बड़ा इंटरेस्ट होता है लेडीज फंक्शन में शामिल होने का. मुझे लेडीज के हर एक फंक्शन में शामिल होने में बहुत इंटरेस्ट है. अक्सर क्यों देखते हो? इसी में देख लो, बार बार देखो. हाँ तो अगर अभी को मौका मिलेगा भेस बदल के जाने का और उस फंक्शन को एंजॉय करने का तो आप जाएंगे? मैं ऐसे ही चले आऊंगा, मुझे भेस बदलने की जरूरत नहीं है और कोई नहीं रोकेगा. रुकोगे? नहीं, हम सब एंजॉय करेंगे लेडीज फंक्शन. और प्रज्ञा अगर ये लेडीज फंक्शन में आ गए तो सोचा है कि आप इनकी क्या हालत करने वाली हैं? मतलब इन्हें भी डांस? उनका घर है, उनका जहाँ मन चाहे वो जाए. ये फास्ट फास्ट गाना बजाएंगी और मुझे फास्ट फास्ट डांस करवाएंगी. छपरा भी लगा दिया यही पर होगा बुफे. आइएगा प्लीज. थैंक यू सो मच.